अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर कॉमर्स मैं हूँ अफसर सद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बैंकिंग बैंकिंग का हम चैप्टर नंबर वन कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने एम को तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स को देखना है अगर हम अपनी बुक के अंदर देखें तो एम हमारे पास जो दिए गए हैं वो तकरीबन दस एम हैं और ये दस एम सी क्यूज़ अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके लिए अब सॉल्व करना अगर आप हमारे चैनल के ऊपर प्रीवियस तीनों लेक्चर्स देख चुके हैं तो इन एम सी क्यूज़ को सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि इन तमाम एम सी क्यूज़ के बारे में मैंने वहाँ पर अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया हुआ है ठीक है तो एक नज़र आप लोगों ने इन एम सी क्यूज़ को देख लेनी है और इसके अंदर हमारे पास एम के आंसर्स भी आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं ठीक है पेपर को अगर मैं बताऊँ तो पेपर के अंदर हमारे पास तीन सेक्शन होते हैं सेक्शन ए जिसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एम की बात करते हैं फिर सेक्शन बी होता है जहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तकरीबन पाँच नंबर के होते हैं और पाँच नंबर के अंदर आप लोग छः से दस लाइन्स यानी कि सिक्स टू टेन लाइन्स का आंसर आप आराम से दे सकते हैं ठीक है यानी कि छः कम से कम होनी चाहिए छः से कम नहीं होनी चाहिए और ज्यादा से ज़्यादा दस होनी चाहिए अब जैसे कि डिफाइंड बैंकिंग है डिफाइंड बैंकिंग को हम किस तरीके से बैंकिंग को डिफाइन कर सकते हैं देखिए हमने बैंकिंग के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ा कि बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुई बैंकिंग क्या करती है तो इसके अंदर आप या तो बैंकिंग की डेफिनेशन के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है थीके? वो आपने लेने नहीं है सिक्स टू टेन लाइंस की अब बैंकिंग डेफिनेशन भी आपकी बुक्स में मौजूद है और उनमें से कोई सी भी आप अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो बड़े आराम से हमारे पास वो छः लाइन्स वाला काम तो हो जाएगा ठीक है इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है गिव टू डेफिनेशंस ऑफ अ बैंक आप काम ये करें कि तीन डेफिनेशंस आपको यहाँ पे मैं आ, अमीन खालिद की बुक को फॉलो कर रही हूँ और इसके अंदर तीन डेफिनेशंस दी हुई थी अगर मैं फर्स्ट डेफिनेशन ले लेती हूँ अपने पहले सवाल के जवाब में तो बाकी की दो डेफिनेशन जो रह जाती हैं वो मैं अपने सेकेंड क्वेश्चन के अंदर लेके आ सकती हूँ ठीक है तो देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि आप लोगों ने बजाय इसके कि, कि आप नोट्स खरीदें मैं ये चाहूंगी कि आप यहाँ पे अपने नोट्स ख़ुद तैयार करें तो यहाँ मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का बताया कि आपने केन्ले की डेफिनेशन ले लेनी है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड फिर हमारे पास कहा गया है गिफ्ट टू डेफिनेशन ऑफ अ बैंक तो बाकी की जो डेफिनेशन हमारी इसमें बुक के कोर्स में रह जाती हैं वो डेफिनेशन से आप यहाँ ले सकते हैं उससे होगा ये कि हमारा सिक्स टू टेन लाइंस वाला मसला भी हल हो जाएगा और हमारा जो नोट्स जो हमारे तैयार होंगे वो बिल्कुल हमारी एक जो बुक सिलेबस के अंदर शामिल होती है बहुत सारे कॉलेज में यही बुक पढ़ाई जाती है उसी के हिसाब से बनेगी फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर ब्रीफली डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ बैंक आपने डिस्क्राइब करना है ओरिजिन ऑफ बैंक बैंक का ओरिजिन या बैंक के एवोल्यूशन किस तरह से बैंक स्टार्ट हुआ ये सब चीज़ें भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से शुरुआत में बैंक कि जगह जो है इंसान किस तरह से अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को सेफली रखता था फिर उसको क्या मुश्किल पेश आने लगी जिसके ऐसे वो उसकी सेफ़्टी के अंदर उसको मसला उसको फ़ील होने लगा और फिर उसने किस तरह से अपने तमाम जो उसकी दौलत होती थी उन सबको उसने किसी के पास रखवाना शुरू किया फिर जो रखने वाला था उसको प्रॉब्लम होने लगी कि भाई इतनी चीज़ें संभाल के वो कैसे रखे अपने पास कुछ गार्ड्स हायर करने शुरू किए ठीक है थीके? अगर आप शुरू के तीन लेक्चर्स अच्छी तरीके से सुन लें समझ लें तो वहीं से हमारा पूरा एक ब्रीफ सा ओरिजिन जो है तैयार हो जाएगा बैंकिंग हिस्ट्री का इसके बाद फिर अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है डिस्क्राइब द बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग किस तरह से बैंक का क्या बैकग्राउंड था और वो किस तरह से वॉल्व हुई किस तरह से इसके अंदर जिद्दत आती चली गई चीजें चेंज होती चली गई ठीक है तो इसके अंदर भी जो ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे उसी चीज़ को आपने थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है ठीक है और इसमें बैकग्राउंड के अंदर उसकी इंसान की तमाम मुश्किल का जिक्र करना है कि क्या क्या, क्या मुश्किल पेश आती थी उसको ठीक है तो वही चीज़ इसमें देखें एक काम आप ये करें कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इस ओरिजिन वाले सवाल को तैयार करने की आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आपने करना सिर्फ ये कि आप डिटेल वाला जो सवाल है उसको ले लें और उस पर डिटेल पे नोट लिख लें अच्छा लॉन्ग जो है वो तकरीबन बारह नंबर का एक सवाल होता है ठीक है हमने कहा कि शॉर्ट में हम सिक्स टू टेन लाइंस लिखें जबकि पाँच नंबर का एक सवाल होता है वो ठीक है तो अगर हम बारह नंबर पे जाते हैं तो आप तकरीबन बीस लाइनों से ऊपर यानी कि पच्चीस से तीस लाइंस तक आप अपने सवाल के जवाब को ले जाए ठीक है अगर आपकी पच्चीस से तीस लाइन्स कवर हो जाती हैं इसमें हेडिंग्स भी आ जाएंगी और सब चीज़ें आ जाएंगी तो फिर आपका समझे एक डिस्क्रिप्टिव सवाल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया तो आपने करना ये है कि आपने ओरिजिन जो है इसका बैकग्राउंड जो है वो आपने डिटेल में तैयार करना है जो कुछ भी आपको समझ में आया है वो सब कुछ आप लिखिए उसको हेडिंग्स में डालिए अगर हेडिंग्स नहीं बन रही कोई मसला नहीं है आप बगैर हेडिंग्स के डालिए इसमें हमने ग्रुप्स की बात करी थी तीन ग्रुप्स थे उनका भी जिक्र करिए क्योंकि बैंकिंग हिस्ट्री में वो तीन ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमने बार बार पढ़ा इसको उनका जिक्र डालिए इन सब चीज़ों को लेके चलिए आपका देखिए खुद बहुत एक सवाल का खुद आप नोट्स तैयार करने के काबिल हो जाएंगे इसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहा है डिफाइन अ बैंक एज गिवन बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट एंड बैंकर्स अब देखें दोबारा से जो हमने शॉर्ट के अंदर किया था ना काम वो यहाँ पे भी आ गया हमने शॉर्ट के अंदर तीनों डेफिशन्स तैयार कर ली थी वही तीनों डेफिनेशन आपने इसके अंदर भी लिख लेनी है वहाँ हम दो जगह डिवाइड कर रहे थे यहाँ हम एक ही जगह तमाम डेफिनेशन को लिख लेंगे ठीक है तीनों ऑथर्स की डेफिनेशन जो आपके कोर्स में मौजूद हैं वो तमाम डेफिशन आप इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने बात करी कि किस तरीके से हम अपने सवालात बैंकिंग के फर्स्ट चैप्टर के तैयार कर सकते हैं हम खुद से किस तरह से नोट्स तैयार कर सकते हैं और इसके हवाले से भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो आप मुझसे लाजमी तौर से फेसबुक पे भी पूछा करें और इंस्टाग्राम पे भी पूछा करें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप लोग जो कुछ भी नोट्स तैयार करें उनकी पिक्चर्स आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोगों तो ने नोट्स खुद से तैयार किए और मेरे कहने से तैयार किए और इसमें मज़ीद आपकी बेहतरी आती चली जाएगी कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आपने उससे पूछना है फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या फिर ई मेल नवर्स पर और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अल्लाह हाफ़